सरस्वती महाभागे विद्यकमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देही नमोस्तुते विद्यां देही नमोस्तुते विद्यां देही नमोस्तुते। नमस्ते साथियों, मैं सुनील जैन। आज महाप्राज्ञ कॉलेज के प्रिंसिपल सर शंकरसन जी के निमंत्रण पर मैं यहाँ कॉलेज आया हूँ और कॉलेज आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। कॉलेज के कैंपस को देखकर, आसपास के जो हरा भरा वातावरण देखकर, निश्चित रूप से कॉलेज और कॉलेज के प्रिंसिपल सर, स्टाफ मेंबर्स और जितने भी स्टूडेंट यहाँ स्टडी कर रहे हैं, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। साफ सुथरा आंगन और हरा भरा वातावरण निश्चित रूप से किसी भी संस्था के लिए एक, यूं कहें कि एक पॉजिटिव काम करता है, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। वातावरण से ही आदमी का मन विचार निश्चित रूप से सकारात्मक होते हैं, शांत रहते हैं और व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। तो आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला और सबसे विशेष बात जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, मेरे विद्यार्थी जो काफ़ी समय से मुझसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि महाप्राज्ञ कॉलेज आसिंद निश्चित रूप से विद्यार्थियों के हित में बेहतर कार्य कर रहे हैं। यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं, उनका जो रुझान है शिक्षा को लेकर, शिक्षा के प्रति उनके जो समर्पण भाव है, वो निश्चित ही समाज में एक रोशनी उजाला करने के लिए निश्चित रूप से वो प्रयत्नशील हैं। यहाँ जो विजिट के दौरान मैंने महाप्राज्ञ कॉलेज के विजिट के दौरान यहाँ के कैंपस के साथ साथ यहाँ की जो मैंने प्रयोगशाला देखी और इसके साथ ही यहाँ के आसपास के वातावरण, यहाँ का गार्डन, यहाँ के जो पेड़ पौधे, जो पर्यावरण संवर्धन का कार्य ये महाविद्यालय कर रहा है, निश्चित ही प्रेरणादायी है। सबसे विशेष बात जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, मेरे विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि यहाँ एक सुसज्जित लाइब्रेरी है जिसमें लगभग 2 से 2500 पुस्तकें हैं। साहित्य के क्षेत्र में आसिंद शहर, या यूं कहूं कि इस ब्लॉक में अगर इतनी सुनियोजित और पुस्तकों से सज्जित अगर कोई लाइब्रेरी है तो निश्चित रूप से महाप्राज्ञ कॉलेज में आपको ये देखने को मिलेगा। साहित्य के साथ साथ अदर जितने भी जो, चाहे कंप्यूटर हो, साइकोलॉजी हो या कंपिटिटिव जो कंपिटिशन की जो बुक्स हैं, वो भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में हैं। तो निश्चित रूप से ही विद्यालय, महाविद्यालय के स्टाफ मेंबर्स और प्रिंसिपल सर बधाई के पात्र हैं। आप सभी को महाप्राज्ञ कॉलेज विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए। यहाँ की जो अलग अलग क्षेत्रों में शैक्षिक गतिविधियों में सांस्कृतिक कल्चरल जो प्रोग्राम होते हैं उसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ी सहभागिता है इस महाविद्यालय की। और साहित्य के लिए ये जो महाविद्यालय हैं, क्योंकि मैं साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, या यूं कहें कि मैं हिंदी का व्याख्याता हूँ, तो साहित्य के लिए या शोध के लिए, अगर आप शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, या आपके भीतर साहित्य को लेकर कुछ जिज्ञासाएं हैं, या कुछ पुस्तक पढ़ने का अगर आपको इंटरेस्ट है, आपकी पुस्तक पढ़ने की रुचि है, तो निश्चित रूप से महाप्राज्ञ कॉलेज की जो लाइब्रेरी है आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर आपको दे सकती हैं पढ़ने के लिए। यहाँ जो मेरे जो हाथ में एक विनय पत्रिका है, तुलसीदास जी द्वारा लिखित ये विनय पत्रिका,
अभी मैं लाइब्रेरी विजिट के दौरान मुझे ये पुस्तक मुझे मैंने देखी और मुझे बहुत अच्छा और प्रसन्नता का अनुभव हुआ। अच्छा लगा कि इस विद्यालय, इस महाविद्यालय के इस लाइब्रेरी में विनय पत्रिका जैसा एक यूं माने कि बहुत महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति तुलसीदास जी के द्वारा रचित वो इस लाइब्रेरी में अपनी शोभा बढ़ा रही है। तो आप पधारें और इसको अध्ययन करें। अध्ययन के साथ साथ आपकी रुचि साहित्य के साथ साथ अध्यात्म में भी होगी, आप शोध के क्षेत्र में भी आगे बढ़ पाओगे। तो मैं सभी से जो मेरे मिलने वाले हैं, जानने वाले हैं या जिनसे मेरा परिचय है, मेरे विद्यार्थी हैं, अभिभावकगण हैं, शिक्षक साथी हैं, मेरे मित्र हैं, उन सबसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपकी इच्छा कुछ करने की है या साहित्य, शिक्षा, शोध इनके क्षेत्र में कुछ करने की है तो निश्चित रूप से एक बार आपको महाप्रज्ञ कॉलेज आना चाहिए, यहाँ के वातावरण को देखना चाहिए। साथ ही पर्यावरण के क्षेत्र में भी ये महाविद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। लगभग 150 से पौने 200 या मैं 200 कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, एग्जिट नंबर पता नहीं है, तो लगभग 150 से 200 के पेड़ पौधों से सुसज्जित ये महाविद्यालय कैंपस है। तो निश्चित रूप से मैं पुनः यहाँ के प्रिंसिपल सर को, यहाँ के डायरेक्टर सर को, यहाँ के स्टाफ मेंबर्स को, यहाँ के स्टूडेंट्स को और यहाँ जो भी अपना कर्म करके इस महाविद्यालय को पुलकित कर रहा है, पुष्पित कर रहा है, सुसज्जित कर रहा है या यहाँ के वातावरण को और उर्जित कर रहा है, उन सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हृदय के अंतर्मन से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।